हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 12 के बाद से जो भी आप लोगों को सारे प्रॉब्लम्स आई है उसको आप सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो इजीली तरीके से, समझ गए। और बहुत लोग मुझे बार बार इंस्टाग्राम पे क्वेरीज भी कर रहे थे कि भाई एंड्रॉयड 11 बेस्ट है कि एंड्रॉयड 12 बेस्ट है, एंड्रॉयड 12 पे अपग्रेड करूँ या फिर एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 11 पे डाउनग्रेड कर लूँ, साथ में सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। तो कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, आप लोगों के लिए डिमांड पर बनाया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि 4-5 लोगों का मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए वीवो के टेक्निकल टीम से बात भी किया था। आई होप कि उन लोगों को सॉल्यूशन मिल गया होगा डिवाइस के लिए। मुझे भी सॉल्यूशन मिला, सेकेंड अपडेट जो है मेरे डिवाइस के लिए रिलीज़ किया गया। तो सेकेंड अपडेट जो आया ना, तो सेकेंड अपडेट के वास्ते यहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिस्टम में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा बेटर देखने को लगा पहले से। अब जो है लैग वैग थोड़ा कम देखने को मिलता है, बट ऐप जो ऐप ओपनिंग क्रैशेज जो है मुझे थोड़ा अभी भी लगा है, ऐप जो है ओपन करते टाइम क्रैशेज होती है, समझ के। लेकिन ये जो सेकेंड अपडेट है ना, ये सभी लोगों को मिलना धीरे धीरे चालू हो जाएगा। मैंने सबके लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आपको क्या करना है, ये अपडेट को अपने डिवाइस के लिए यहाँ पर तुरंत रिलीज करवाना है, समझ गए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेकिन एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दो, आप लोग करते क्या हो, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोग के लिए, इतना ज़्यादा मतलब कि वीवो के टेक्निकल टीम से मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहता हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग हेल्प करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, बट मुझे क्या मिलता है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ आपसे सब्सक्राइब करने का। अगर सब्सक्राइब करने में पैसे लगते तो बोलते कि हाँ पैसा लग रहा है यार, फ्री आपको सब्सक्राइब कर दो एक मोटिवेशन के लिए, एक हार्ड वर्क के लिए, ताकि आप लोगों के लिए हमेशा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इसी तरह से आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँ, समझ गए। चलिए सबसे पहले करना क्या है सॉल्यूशन के लिए, आप लोगों का जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग को यहाँ पर ले लेना है। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। अभी देखो सेकंड अपडेट जो मेरा आया था ना, इसमें क्या 201 MB का जो सेकंड अपडेट आया था उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक नीचे दिया गया, उसको भी जाकर देख लेना। सेकंड अपडेट में मैं कैसे उसको रिबूट किया, क्या कुछ देखने को मिला, उससे पहले क्या था, सिस्टम में सिक्योरिटी पैच मुझे देखने को मिला था और सिस्टम स्टेबिलिटी, सिस्टम जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर थोड़ा सा पहले से बेटर किया गया था। तो ये जो अपडेट आपको है ना 201 MB का, ये आपको आपके डिवाइस में मिलने चाहिए और ये अपडेट से ही आपका जो ऐप उनका क्रैशेज जो भी होता है या फिर आपको जिटरिंग लैग हैंगिंग प्रॉब्लम जो भी होता है वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये अपडेट आपको अपने डिवाइस के लिए रिलीज़ करवाना है वीवो के टेक्निकल टीम की तरफ से। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जा करके आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसका एक स्क्रीनशॉट निकालना है। उसके बाद आपको आपके फ़ोन में जाना है, अबाउट फ़ोन पर जा करके आपका जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है या फिर फनटच ओएस 12 वर्जन है उसको यहाँ पर शो कर देना है, समझ गए। और उसका भी एक यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। और दोनों स्क्रीनशॉट को आपको आगे प्रोसेस बता रहा हूँ, ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करो। जिस तरीके से मैंने अपने डिवाइस का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अभी तक एंड्रॉयड 12 के बाद मुझे 2 अपडेट मिल चुका है, अभी तक शायद किसी को नहीं मिला है। मैं पहला यूज़र हूँ वीवो V20 का जो एंड्रॉयड 12 के बाद से मुझे दोनों अपडेट मिल चुका है। अब दोनों ही वर्जन यहाँ पर आपको मैं दिख रहा हूँ, 0.49 जो लास्ट में दिख रहा है ये मेरा लेटेस्ट वर्जन है, इससे पहले था 0.46। दोनों का आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद क्या करना है, अपने फोन में आपको जीमेल ओपन करना है। जीमेल आईडी पे हमें आपको एक मेल करना होगा वीवो के टेक्निकल टीम को, जीमेल ओपन करना। देखो भाई यही एक आपको एक तरीका है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा या फिर कहीं भी जाना पड़ेगा, कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी मैंने पहले से सारे मेल करके रखे हुए वो सारे मेल आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने वीवो के टेक्निकल टीम को कितना ज़्यादा मेल किया था। मतलब कि मेरा जो कंप्लेंट है ना वीवो के टेक्निकल टीम में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, समझ गया। मैं जैसे ही कॉल करता हूँ ना वो लोग समझ जाते हैं कि आप फलना भाई बोल रहे हो, समझ गया। तो इतना ज़्यादा मैं मेल किया हूँ कि उन लोग जो है हमारे लिए तुरंत क्विक अपडेट में एक क्विक अपडेट रिलीज किया मेरे लिए। तो अभी देख पा रहे हो कि मैंने कितना मेल किया था और सारे अटैचमेंट भी यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया था। तो अटैचमेंट आपको भी लगाना पड़ेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक स्क्रीनशॉट या फिर छोटा सा एक वीडियो बना लो लेस देन 25 MB और उसको यहाँ पर आपको अटैच करना पड़ेगा। तो आपको मेल यहाँ पर करना कैसे है, कंपोज मेल पर जाना है और आपका जो भी मेल आईडी ऊपर शो हो जाएगा और 2 में यहाँ पर आपको रखना है vivo vcare@ तो मेल आईडी है आपको vcare@vivo.com। ये जो आपको मेल आईडी दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर मैं ऊपर लिख के भी दे दूँगा आपको। उसके बाद सब्जेक्ट पे क्या लिखना है, एंड्रॉयड 12 इशूज़।
ये आपको यहाँ पर टाइप करना है सब्जेक्ट में, ताकि उसको सब्जेक्ट ऊपर से देख के मालूम पड़ेगा कि नहीं कुछ अर्जेंट जो है मेरा जो व्यूअर्स है जो मेरे यूजर्स है फ़ोन के वो यहाँ पर मुझे अर्जेंट मैसेज किया है। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर नीचे टाइप करना, जैसे मैं यहाँ पर सिरली टाइप कर रहा हूँ, और एक एक जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ है वो सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर लिख दो, और नीचे में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भर देना है। तो मैंने यहाँ पर आपको मेल अभी करूँगा नहीं, बल्कि मैं करना कैसे वो आपको यहाँ पर लिख करके मैं दिखा रहा हूँ। मैं अभी मुझे ईमेल नहीं करना है, ये ईमेल आप लोगों को करना है, क्योंकि हर लोगों का जो फ़ोन है उसका इन्फॉर्मेशन उसके प्रॉब्लम्स आप सारी अलग अलग है। V20 में कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, V21 में कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम तो सब में है लेकिन कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, समझ गए। तो ये प्रॉब्लम जो है आपको अपने खुद से यहाँ पर आपको ये मेल करना है, ताकि आपके लिए डिवाइस के लिए एक क्विक अपडेट रिलीज किया जा सके। तो मैं यहाँ पर मेल कैसे कर रहा हूँ वो आप यहाँ पर फटाफट से देख लो, और मेल में आपको अटैचमेंट भी लगाने हैं। अटैचमेंट जो होगा लेस देन 25 MB होगा। उसके बाद आपको नीचे में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देना, ताकि जो वीवो के कस्टमर केयर है वो आपको ईजिली फ़ोन करके आपसे कॉन्टैक्ट कर लें। और सारा कुछ यहाँ पर आपको लिखने के बाद ऊपर में एक यहाँ पर दिखेगा सेंड बटन, उस पर क्लिक कर देना है, और अटैच बटन पर क्लिक करके फाइल को आपको यहाँ पर अटैच भी कर लेना है। तो गाइस ये मेल सेंड करने के बाद हो सकता है कि आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में आपके डिवाइस के लिए क्विक अपडेट रिलीज किया जा सके। देखो प्रॉब्लम्स को जब तक आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर निकालने के लिए प्रॉब्लम्स को अगर हाईलाइट नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं समझ गए। तो गाइस ये थी आज की पूरी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। मैंने जिस तरीके से अपने डिवाइस का सोल्यूशन पाया है, ये तरीका आप लोगों के लिए बताया था कि ये तरीके से आप अपने डिवाइस के सोल्यूशन पा सकते हो। तो चलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।